हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल बिहेवियर सामाजिक व्यवहार, हिंदी में कहें तो, या सामाजिक संगठन, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हमने पहले नहीं पढ़ाया है या जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, है ना। अगर हम इकोलॉजी की बात करें, साइंस एवोल्यूशन की बात करें, इन्वर्टिब्रेट्स में देखें, तो वहाँ पे हम सोशल बिहेवियर के बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपस में पढ़ते हैं कि एनिमल्स कैसे आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, और उनके बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होता रहता है, कैसे एक दूसरे को वो सहयोग करते हैं, कैसे कॉम्पिटिशन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी की एक बहुत ही स्पेशल ये एक ब्रांच है, सोशियो एंड बायोलॉजी अगर जोड़ दिया जाए तो सोशियो बायोलॉजी बन जाएगा, जिसमें समाज और बायोलॉजी जैविकी को मिला के काम करते हैं, और इसी के साथ इसी के अंदर आता है एनिमल बिहेवियर ही आता है। तो उसमें बिहेवियर में हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग बिहेव का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का, उनके संगठन का, उन सब का हम अध्ययन करते हैं कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, कितने हैं, किस किस एज के हैं, सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है ना, उनकी उनके भोजन की व्यवस्था क्या है, व्हाट आर द अबेंडेंस ऑफ फूड, अवेबिलिटी ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किस तरह से वो प्रोडक्शन प्रेशर क्या है उनके ऊपर, किस तरह से वो मीटिंग कर रहे हैं, एग्रीगेशन कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं, ये सब मिलके सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल बिहेवियर कहलाया जाता है। तो टिनबर्जन के अनुसार किसी भी स्पीशीज़ के एक सदस्य का उसी स्पीशीज़ के अन्य सदस्य के साथ होने वाली कोई भी इंटरेक्शन को, कोई भी आपस के पारस्परिक संबंध की क्रिया को सोशल बिहेवियर कहते हैं, सामाजिक व्यवहार कहते हैं। यानी इसमें वे सब व्यवहार आ गए हैं जो एक ही स्पीशीज़ के एक मेंबर अपने दूसरे मेंबर को के साथ करते हैं, उन्हें इसके से प्रभावित करते हैं, ये कहा जा सकता है कि उससे उसको कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे वो मेटिंग करते हैं और कैसे वो अपने आगे स्पीशीज़ को बढ़ाते हैं। सो इसमें हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रक्चर क्या है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट सोशल, ना नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स कैसे सोशल ग्रुप अपना बनाते हैं, किनशिप क्या होती है। सो सोशल स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, सोशल स्ट्रक्चर मोस्टली किसमें देखा गया है, मोस्ट प्राइमेट्स और ह्यूमंस जो एक सोशल ग्रुप वो बना रहे हैं उसमें देखा गया। तो उसमें आने वाली कौन कौन से सेमी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं, बेबून्स हैं, ऐसे ये सारे के सारे जो आपस में किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, और इनके ग्रुप जो बन गए हैं ना, वो किस तरह से उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, अलग अलग एज ग्रुप के कौन से हैं, उसके अंदर कौन कौन से उसके अंदर मदर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, तो वो सोशल स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। उसके उसके अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन से ऐसे सामाजिक संबंध हैं, ये सामाजिक संबंध जो इनमें पाए जा रहे हैं क्या ये स्थाई है ना, साथ आ रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, अच्छा सबसे छोटा समूह कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा समूह कौन सा है, ये भी देखा जाता है। इसमें मेल कितने हैं, उसमें फीमेल कितने हैं, उसके अंदर जो मीटिंग टाइम हो रहा है वो उसके लिए भी डिपेंड है, छोटा समूह है, मीटिंग टाइम उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कितनी एनर्जी वो इस पर खर्च कर रहे हैं अपनी, ये सामाजिक व्यवहार के अंदर ये भी देखा जाएगा इसके अंदर। तो आपस में उनमें कैसे एक दूसरे के साथ वो अंतःक्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो उनका सोशल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। क्लोज टू कॉन्टैक्ट कम्युनिटी में कैसे रह रहे हैं, एग्रेसिव बिहेवियर कैसे कर रहे हैं, तो और भी जितने भी जो प्राइमेट्स हैं और जितने भी ये सोशल ग्रुप वाले हैं उनके अंदर हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। सो इंटरेक्शन अगर हम देखें तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं, इंटरेक्शन विद इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स कम्युनिटी आर यूजुअली अनलिमिटेड, सब ग्रुप आर रेयरली क्लोज्ड फ्रॉम ग्रुप इंटरेक्शन, ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी हैव डेली फेस टू फेस कैजुअल कम्युनिकेशन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सब ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मदर एंड हर यंग ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ जो आप पिक्चर में देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये आपस में किस रह तो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि परिवार जो है और किस तरह से वो उनकी रक्षा कर रहे हैं, अपने यंग वंस की रक्षा कर रहे हैं, बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, ये ज़रूरी है ना। घूमने के लिए निकल रहे हैं तो उनको साथ लेके जा रहे हैं, ये इसके लिए ज़रूरी है। कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं उनके साथ, नाउ
क्यों हम प्राइमेट बिहेवियर की स्टडी क्यों कर रहे हैं इन टर्म ऑफ जेनेटिक टैक्सोनॉमी एंड जेनेटिक्स. चिंपैंजी एंड बेबून्स आर क्लोज रिलेटिवली. क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये एंसेस्टर रहे ना हमारे, हमें पता है उनके बिहेवियर को हम आसानी से ह्यूमन बिहेवियर के साथ इंटररिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं, इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं. अदर डायमेंशन ऑफ प्राइमेट्स बिहेवियर. सो टू व्हाट एक्सटेंट डू जीन गवर्न आवर बिहेवियर. ओके, एंड ह्यूमन आर गाइडेड बाय कल्चर. लर्निंग से हुआ ये कल्चर कैसे बना है कि लर्निंग से हुआ है, कम्युनिकेट करने से हुआ है. अब ये जो दूसरे मंकीज जो थे ये आपस में कैसे करते थे, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे, जब ही तो समाज में रहते थे, एक दूसरे को समझ सकते थे. डिवीज़न ऑफ लेबर इनमें रहा होगा, है ना, इनके अंदर एक परमानेंसी रही होगी, इम्परमेबिलिटी रही होगी. तो इसलिए वो सारा का सारा क्या बताता है, उस सोसाइटी के हाइएस्ट लेवल को बताता है. तो उसके लिए ये कैसे अपने ग्रुप को बनाए रखते हैं और चल रहे हैं आपस में, ये किन, जैसे हम कह रहे हैं ना अभी इसके साथ हम देखेंगे किनशिप. किनशिप क्या होती है, आपस में एक दूसरे को कैसे बनाए रखते हैं, ये भाईचारा टाइप, मतलब ये अपने आप को उस ग्रुप के अंदर कैसे बनाए रखते हैं, उस ग्रुप में कौन कौन से मेम्बर्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं. प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी प्राइमेट की स्टडी, स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन प्राइमेट बिहेवियर, सब फील्ड ऑफ इथोलॉजी. इथोलॉजी तो पता ही है आपको, एनिमल बिहेवियर की स्टडी करना और उसमें प्राइमेट्स की स्टडी करना. फील्ड रिसर्च, जो बिहेवियर जो हम उनका देख रहे हैं वहाँ जाके उनको देखना, उस फील्ड में जाके और उनकी स्टडी करना, उसको नोट डाउन करना. नेक्स्ट इज द नॉन ह्यूमन प्राइमेट सोशल ग्रुप कॉम्पोजिशन. अब ये नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो हैं उनके कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं, किसके आधार पे बने हुए हैं. सबसे पहले इसमें सिक्स बेसिस, सिक्स छः आधार दिए गए हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हैं. सो सबसे पहले इसमें सिंगल फीमेल एंड हर ऑफस्प्रिंग, मोनोगैमस फैमिली ग्रुप, पॉलीएंड्रस फैमिली ग्रुप है, मेल, वन मेल एंड सेवरल फीमेल्स, ये हो सकता है. और क्या हो सकता है इसके अंदर, मल्टीपल फीमेल एंड मल्टीपल मेल्स एंड फीमेल एंड फिजन फ्यूजन सोसाइटी, ये भी हो सकता है इसके अंदर. तो अलग अलग ग्रुपिंग हम देखते हैं इसमें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. अच्छा, यहाँ पे कुछ जो सोशल ग्रुप पैटर्न यही रहता है इनके अंदर, यही सोशल ग्रुप पैटर्न पाया जाएगा. या तो सिंगल फीमेल रहेगी उसके बच्चों के साथ, अभी हमने एक पिक्चर देखी थी, मोनोगैमस रहेगी, एक ही ग्रुप रहेगा, पॉलीएंड्रस रहेंगे, वन मेल रहेगा, या वन ये ग्रुप रहेंगे. तो ये किन में अंदर पाया जाता है ना, और अंगूटांस के अंदर है. अच्छा, उसमें बहुत सारे टीटी मंकी, आप नाम जो है ना और भी मंकीज के इनमें नाम पढ़ोगे अभी, इसमें हेमरदस बैम्बूस है, गैलेडस, तो इनके अंदर ही चिंपैंजीज में से फिजन फ्यूजन सोसाइटी पाई जाती है. ये इनके उदाहरण देख रखे हैं कि इन प्राइमेट्स में ही स्पीशीज़ में मिलते हैं. सबसे पहले देखते हैं हम सिंगल फीमेल एंड हर ऑफस्प्रिंग. तो सिंगल फीमेल जो होगी वो क्या करेगी, अपने ऑफस्प्रिंग्स को जो है, अपने बच्चों को वो देखभाल करेगी, है ना, ये पैटर्न इसके अंदर पाया जाता है. और ये कॉमन है फॉर कॉमन अदर मैमल्स. अब इसमें कौन कौन से हैं, ऑरंगुटांस हैं, नॉक्ट्यूर्नल प्रोसीमेंस जो हैं, ये भी इसके अंदर उदाहरण दे दिए गए हैं. सो मेल इसमें पाया तो जाता है, लेकिन वो कहाँ है, ओकेजनली फॉर मीटिंग के लिए है. और सारे समय जो फीमेल्स होती हैं वो अपने बच्चों को साथ में रखती है और उनका ध्यान रखती है. तो एक ग्रुप ये हो गया. सेकंड ग्रुप है इसका मोनोगैमस फैमिली ग्रुप. मोनोगैमस में एक ही मेल और एक ही फीमेल दोनों मिलके और बच्चे, कुछ बच्चे हैं उनके साथ. तो एक न्यूक्लियर फैमिली जो आजकल की चलती है ना, न्यूक्लियर फैमिली, उस तरह का ग्रुप शो करते हैं. किस किस में मिल रहा है, न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड गिबॉन्स में, सैमेंग्स में, टीटी मंकी में, इंद्रियास में, इनके अंदर ये पाया जाता है, देखने को मिलता है. सेकंड ग्रुप है पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस फैमिली ग्रुप. पॉलीएंड्रस फैमिली ग्रुप जो है ये इसके अंदर जनरली स्टार्टेड विद अ मोनोगैमस मेटिंग पेयर, लेटर अ सेकंड एडल्ट मेल में जॉइनिंग द फैमिली एंड असिस्ट इन चाइल्ड रियरिंग. व्हेन दिस अकर बोथ एडल्ट मेल्स विल पोटेंशियली मेट विद एडल्ट फीमेल. मोनोगैमस का ही एक रूप है, लेकिन मोनोगैमस फैमिली में क्या हो रहा है कि और मेल आके जुड़ गए हैं, वो भी वहाँ पर रह रहे हैं, मेटिंग भी कर रहे हैं, तो एक से
ज़्यादा मेल आके रह रहे हैं, फीमेल तो एक है और एक से ज़्यादा मेल आके रह रहे हैं, तो ये मोनोगैमस बनाते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया, श्रीलंका और इनमें ये देखने को मिलता है, पाया जाता है ये। तो इसमें जो मेल है, जो नर है, पिता है, ये क्या कर रहा है? शिशु का अपने उनका ध्यान रखता है, ध्यान रखता है उस समय, और जो बच्चे उनके पोषण के लिए, और उस क्षेत्र को जहाँ पे टेरिटरी जिसे हम कहेंगे ना आगे देखेंगे, उसको ये अधिकार में रखता है। तो ये टैमरिन, इंद्री, गिबॉन, इस प्रकार ये इनमें जो प्राइमेट्स हैं ना, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द वन मेल एंड सेवरल फीमेल। अब ये पॉलीगैमस में आ गया है ना, तो ये इसके अंदर क्या हुआ है कि एक तो मेल है लेकिन फीमेल बहुत सारी हैं, बहुविवाह टाइप जो होता है ना, इस तरह से संबंध रखे जाते हैं, बहु पत्नी वाला, जो यानी एक मेल जो है अधिक से अधिक फीमेल्स के साथ संबंध रखता है, और ये उनके बच्चों का उनके साथ ही रहते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको अपने अधिकार के क्षेत्र में रखते हैं, उनको सोशल हायरार्की का हायरार्की में अपना रखते हैं, और जो मेल रहेगा वो अपना डोमिनेंट रहेगा, अपना पसंद उसका क्या कहते हैं, एक वहाँ पे डोमिनेंसी रहेगी, उसका ही अधिकार रहेगा वहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा जाना जाएगा इसमें। अब इसमें आने वाले डोमिनेंस हायरार्की रहती है, क्योंकि डोमिनेंसी हायरार्की इसलिए रहती है क्योंकि वो एक मेल है और वो मेल डोमिनेंस वहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसका रहता है। इसमें लेक, एक उदाहरण और देखते हैं हम, लेक फॉर्मेशन। लेक फॉर्मेशन जो होता है ना, ये इसी का ही एक अलग रूप है जिसमें कि पॉलीगैनस का है, होता है। इसमें क्या होता, ये पाया जाता है इंसेक्ट और फिशेस के अंदर पाया जाता है। तो लेक यानी कि एक क्षेत्र के अंदर मेल जो है वो एक अधिकार क्षेत्र में है, एक मेटिंग स्टेशन में है, और वहाँ किसी और को वो आने नहीं देता है, वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स आती हैं, और वो फीमेल्स अपने एक नेस्टिंग साइट बना लेती हैं, और उसमें ही बच्चे देना और उनको पालना और उसी अधिकार में रखना, इस तरह से वो ये रहता है, पाए जाते हैं इसके अंदर। कलेक्टिवली किस में मिल रहे हैं? ये गैलेडस के अंदर मिल रहे हैं, और इनमें ये बहु पत्नी जो प्रणाली है ये इनके अंदर मिल रही है, पाई जा रही है। अच्छा, सिल्वर बैक मेल, डोमिनेंट सिल्वर बैक मेल का भी उदाहरण इसके अंदर देखने को मिलता है, ये भी आप इस पर डाल सकते हैं इस फैमिलीज के अंदर। मल्टीपल मेल एंड मल्टीपल फीमेल ग्रुप, एक ग्रुप ये भी बनता है ना, मल्टीपल मेल और मल्टीपल फीमेल ग्रुप। अब ये जो ग्रुप रहेगा, ये जो समूह रहेगा, ये सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा, ग्रुप जो का ना, सबसे ज़्यादा समूह उसका बड़ा पाया जाएगा। अच्छा, लेकिन फिर भी इस बड़े समूह की विशेषता रहती है, इसके अंदर एक टॉप रैंकिंग के इंडिविजुअल रहते हैं। प्राइमोलॉजिस्ट ये कहते हैं जो सबसे सुपीरियर रहेंगे ना मेल, उसे कहेंगे अल्फा मेल, और जो सबसे सुपीरियर रहेगी उसको अल्फा फीमेल कहते हैं। यानी ये दोनों संचालन करेंगे किसका? अपने पूरे ग्रुप का। उनको किस क्षेत्र में जाना है, कितने दिन वहाँ रहना है, वहाँ पे कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनका उनके खाने पीने का, उनका सबका जो व्यवस्था है वो देखनी है, और सारी बातों को जो कंट्रोल करेंगे और जो उनकी बात मानेंगे, जो बड़ा ग्रुप मानेगा, वो इन अल्फा मेल और अल्फा फीमेल का माना जाएगा। यानी इनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, वो जो उनको कह रहे हैं, जिस अधिकार क्षेत्र में रह रहे हैं ना, आपको उसके अंदर ही रहना है, वो इसकी चौकसी में रहते हैं, इस तरह से कहना चाहिए इसको। तो ये सबसे अधिक जो डोमिनेंट मेल का जो हरम है, हरम यानी फीमेल का जो ग्रुप पर अधिकार होता है, एक मेल फीमेल के एक पूरे ग्रुप की समूह सामूहिक रूप से रक्षा करता है। इसे फीमेल रिसोर्स पॉलीगैनी भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मेल पूरे फीमेल की रक्षा करता है, उनके साथ मेटिंग करता है, उनके पर अधिकार रखता है। और जो ऊंचे दर्जे का है उसी को अधिकार दिया गया है खाने का, पीने का, पसंद करने का। अब क्या होगा कि इसके अंदर एक बड़ा समूह बनता जाएगा, और मेल एक और फीमेल बढ़ती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक जो कंपटीशन वाली जो स्टेज है, जो कंपटीशन वाला है, वो भी स्थिति इसके अंदर आ जाती है,
क्योंकि डोमेंसी हायरार्की है वो तो पाई जा रही है, लेकिन क्योंकि फीमेल ज़्यादा होने के कारण जो मेल इनका ध्यान रख रहा है, अगर वहाँ पे दूसरा मेल आ गया है तो वो अपनी डोमिनेंसी भी शो करेगा, उसके अधिकार को हथियाने की कोशिश करेगा, और इसके लिए वो उससे कॉम्पिटिशन करता है। तो जो फीमेल्स जो रहेंगी वो उस मेल के साथ रहेंगी जो कि स्ट्रांग होगा, उस जगह माना जाएगा। ठीक है, फिजन फ्यूजन सोसाइटी, एक ये सोसाइटी भी पाई जाती है, फिजन फ्यूजन सोसाइटी। ये किसमें देखने को मिलती है? चिंपैंजीज में। इंडिविजुअल एंटर एंड लीव कम्युनिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक ऐसा सोशल पैटर्न है जिसमें कि कोई ना कोई सदस्य है किसी भी ग्रुप से निकल रहा है और दूसरे के साथ जुड़ रहा है, निकल रहा है और जुड़ रहा है। ठीक है, एडल्ट मेल ओकेजनली वंडर ऑफ एंड फोरेज अलॉन्ग ऑफ और जॉइन अ फ्यू अदर मेल इन अ हंटिंग पार्टी। फीमेल कैजुअली चेंज मेंबरशिप फ्रॉम वन ग्रुप टू द अनादर, एंड दिस अकर स्पेशली व्हेन फीमेल आर इन एस्ट्रस एंड सीकिंग मेट। एज अ रिजल्ट फोरेजिंग एंड स्लीपिंग ग्रुप्स रिफॉर्म फ्रिक्वेंटली। नए ग्रुप बनते जाएंगे, है ना, फ्यूजन हुआ और फ्यूजन हो गया, इसलिए कह रहे हैं ना, एक को छोड़ा दूसरे के साथ मिल गई, उसको छोड़ा उसके साथ मिल गया, और नए नए ट्रूप्स, ट्रूप्स क्या होता है, इनके जो ग्रुप होते हैं ना समूह, उन्हें ट्रूप्स कहते हैं, वो बनते चले जाते हैं, समूह नए बनते जा रहे हैं, और ये कर सकते हैं, ये वाला जो ग्रुप रहेगा ये एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और जो छोड़ के चला गया ना उसको भूल भी जाता है, इस तरह से ये वाला ग्रुप बनता है इनके, चिंपैंजी से रीसस मकाका में। किनशिप, किनशिप एक रिलेशनशिप है इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन फैमिली टाइज, अपने एक ग्रुप अपने परिवार को बनाए रखने की एक रिलेशनशिप है। सो अमंग ह्यूमंस दोज टाइज आर क्रिएटेड बाय मैरिज एंड शेयर्ड डिसेंट फ्रॉम एंसेस्टर। अमंग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स दे आर ड्यू टू डिसेंट। मोस्ट नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स अपरेंटली ओनली रिकॉग्नाइज मैट्रीनियल डिसेंट। ठीक है, केवल जो मदर वाले हैं उनको ही चूज़ किया जाएगा, अगर वो उसमें ग्रुप में जितनी भी मदर्स हैं, चाहे वो सिस्टर हैं चाहे वो आंट हैं, उनको ही चूज़ किया जाता है, वही ध्यान रखेंगी और वही रिलेशन बनाती हैं और वो उस ग्रुप को चलाती हैं। किनशिप है ना, बंधुत्व वाला ग्रुप जो होता है ना ये कहलाया जाएगा। ग्रूमिंग, सोशल बिहेवियर में अगर हम एक देखें तो जो प्राइमेट्स होते हैं वो ग्रूमिंग करते हैं ना एक दूसरे को, जैसे नीचे पिक्चर में आप देख रहे हो ग्रूमिंग किया जाता है, संवारा जाता है, इस तरह से एक दूसरे को ग्रूम कर रहे हैं। ठीक है ना, पिक आउट द पैरासाइट्स एंड द टिक्स वगैरह। एंड टेरिटरी, टेरिटरी हमने देखा था, टेरिटरी क्या होता है, एक होम रेंज है, होम रेंज है कि एक साइक्लिक माइग्रेशन करेंगे कि उस एरिया में कोई बाहर वाला तो नहीं आ गया है, जो अधिकार क्षेत्र उसी से हम कहेंगे, और ये इसके लिए घूमते रहते हैं। कोर एरिया क्या होता है, कुछ ऐसा और भी इंटरनल एरिया हो गया जहाँ सिर्फ फीमेल्स हैं और जो यंग वंस हैं वो मिल रहे हैं, उनको कोर एरिया को कहेंगे, उनको वहाँ पे सुरक्षित रूप से रख दिया जाता है, और जो मेल होंगे या जो दूसरे ग्रुप के मेंबर होंगे वो उस अधिकार क्षेत्र के आसपास देख सकते हैं। कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, चाहे वो शाउटिंग से कर रहे हैं, चाहे कोई और प्रकार से अपने आप को कहते हैं पोजीशन चेंज करके कर रहे हैं, तो एक दूसरे को जो मैसेज देना होता है, अलार्म देना होता है, कोई खतरा है, डेंजर है, फूड है, इसके लिए एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, ये गुण भी इनमें मिलता है सोशल बिहेवियर में। डोमिनेंस हायरार्की, डोमिनेंस हायरार्की भी सिस्टम ऑफ अ रैंक अमंग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को हायरार्की यानी कि जो टॉप पर है ना, जो सबसे सुपीरियर है, यानी जो अल्फा मेल जिसे कहेंगे ना, वो तो टॉप पर आ गया और जो सबसे लोएस्ट आ गया एक, तो इस तरह से हायरार्की इनके अंदर कैटेगराइज रहती है कि सबसे ऊपर मुखिया कौन है और सबसे नीचे का वाला कौन है, उसके नीचे कौन है। थ्रेट, एक दूसरे को डराना, एक दूसरे को क्या कहते हैं, मीटिंग के टाइम जब है एक दूसरे को अपना स्ट्रांग बनाना, थ्रेटिंग करते हैं। रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन एक दूसरे को सिमिलर, इट इज़ अ एम्ब्रेंसिंग, एम्ब्रेंसिंग इन वन कॉमन रिस्पॉन्स सिमिलर टू ह्यूमन। एम्ब्रेंसिंग मतलब एक दूसरे को ये हाथ मिलाना, जैसे एक दूसरे से मिलना जुलना, रिकॉन्सिलिएशन मिलान करना एक दूसरे के साथ ना, क्योंकि वो क्या होता है इनके अंदर, इवन किसिंग इज अ कॉमन, ये भी देखा गया है, एक दूसरे से मेल जोल करना। सेक्शुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर पाया जा रहा है कि अपने पार्टनर को किस तरह से मेटिंग के लिए सेक्सुअली इनवाइट करना, तो ये बबून्स में, गोरिलास में, हैरम्स जो है, हैरम्स फाउंड, हैरम्स मतलब जो फीमेल का ग्रुप पाया जा रहा है, वो किस तरह से उनको
बिहेव करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और मेल अपने आप को डोमिनेंट रखता है इनके बीच में। फोरेजिंग एंड शेयरिंग, अपना जो फूड है उसको ढूंढने निकलते हैं, एक जगह तो खाना मिल नहीं रहा है, रोज़ इनको बाहर जाना पड़ता है, फूड को ढूंढना पड़ता है। कुछ इसमें से वेजिटेरियन होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो ढूंढना और उसको शेयरिंग करना। मेकिंग टूल्स, ये भी देखा गया है कि जो चिंपैंजीज और कुछ जो मंकीज़ हो रहे हैं, ये टूल्स भी बना लेते हैं अपने आप को, अपना फ़िशिंग करने के लिए ट्विग से अपने आप को कुछ इस तरह से टूल्स बना लेते हैं, उपकरण बनाते हैं ताकि वो फ़िशिंग कर सकें और अपना घर चला सकें। एंड लास्ट इज़ द रेफरेंसेस।